आप सभी का स्वागत है। प्रेगनेंसी के दौरान आप बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, लोग आपको बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस देते हैं, टिप्स देते हैं, लेकिन देर आर सर्टेन थिंग्स जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। रीजन ये हो सकता है कि जनरली हम इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ खास नहीं लगता है इनमें कि हाँ बताया जाए। लेकिन फिर क्या होता है, ये चीज़ें एज अ सरप्राइज आती हैं। आपको लगता है कि क्या ऐसा भी होता है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जो आपको डिलीवरी या फिर लेबर पेन में जाने से पहले मालूम होनी चाहिए, ताकि आपको एज अ सरप्राइज ना मिले कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा सा हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कि किसी को ये बातें जानने की जरूरत है तो उसके साथ शेयर जरूर करें। सबसे पहली बात ये कि बेबी को डिलीवर करते टाइम आप पूप कर सकते हैं, यानी कि पॉटी कर सकते हैं। हाँ, मेडिकल स्टाफ के सामने हो सकता है कि आपको पॉटी आ जाए या निकल जाए। एक्चुअल में क्या होता है, जब आपको कॉन्ट्रैक्शन आ रहे होते हैं तो एक फीलिंग आती है, स्पेशली जब पीक पॉइंट आ रहा होता है, यानी कि जब बेबी बाहर आ रहा होता है, आपको ऐसा लग रहा होता है कि आपको पॉटी आ रही है। तो अब क्या है, एक तो आप ऑलरेडी इतने पेन में हैं और बार बार पुश कर रहे हैं, और एग्जैक्टली ऐसी ही फीलिंग आती है जैसे, क्योंकि आप बेबी को बाहर निकालते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपको पॉटी वाली फीलिंग जो है एग्जैक्टली वही आ रही होती है। तो कई बार ये भी हो जाता है कि एक वुमेन जो बेबी को डिलीवर कर रही होती है उसकी पूप जो है निकल जाती है। अब क्योंकि वहाँ पे मेडिकल स्टाफ होता है तो हो सकता है आपके लिए ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाए, हर किसी के साथ नहीं होता है लेकिन ये होना भी कॉमन है। तो डिलीवरी के दौरान पूप आना या फिर हो सकता है पी आ जाए, तो इसमें एम्बैरेस होना जैसा कुछ नहीं है, बहुत कॉमन है ये, लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान रखें। दूसरी बात आती है लेबर पेन से रिलेटेड। एक्चुअल में आपको कोई नहीं बताता कि ये जो लेबर पेन आते हैं या जो दर्द आता है ये कितना लंबा चलता है, कैसा फील होता है। तो आपको बता दूं कि लेबर पेन जब आपको आते हैं, क्रैम्प जैसी फीलिंग आती है, जैसे पीरियड्स में होता है ना, आपको उस तरीके की फीलिंग आती है, और आपको लगेगा इस तरीके से कोई चीज़ नीचे की तरफ खिंच रही है। एक्चुअल में आपका बेबी जो है बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, तो प्रेशर जो है आपके नीचे वाले एरिया पे पड़ता है, तो जिसकी वजह से आपको लगेगा कि कोई चीज़ नीचे की तरफ इस तरीके से हो रही है, क्रैम्प जैसी फीलिंग आती है। अगर हम लेबर पेन की बात करें तो दो तरह के लेबर पेन होते हैं, एक होता है फॉल्स और एक जो आपको एक्चुअल में आता है। फॉल्स लेबर पेन की खासियत ये होती है कि आपको कभी भी आएगा, लेकिन ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं आता, यानी कि जैसे मान लीजिए अभी 10 बजे आया, या फिर आपको 11 बजे आ गया, या शाम को आया, इस तरीके से। और अगर आप रेस्ट कर लोगे तो ये बंद हो जाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल लेबर पेन होते हैं वो एक सेट टाइम ऑफ इंटरवल में आते हैं, जैसे हर 10 मिनट में आपको आएंगे या हर 15 मिनट में आपको आएंगे। और इसके अलावा क्या है, अगर आप रेस्ट करोगे तो भी ये बंद नहीं होता है, फिर ये कंटिन्यूसली आते रहेंगे। जहाँ पे फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन रेस्ट करने पे ठीक हो जाता है, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन आप चाहे लेट लो चाहे कुछ कर लो ठीक नहीं होगा, वो उतनी ही फ्रीक्वेंसी से आएगा, और धीरे धीरे क्या होता है इनकी इंटेंसिटी शुरू में कम होगी और धीरे धीरे ये तेज होगी, क्योंकि क्या है बेबी जो है बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, वो पुश कर रहा है, तो इसकी वजह से प्रेशर पड़ता है और आपको पेन मालूम चलता है। कॉन्ट्रैक्शन की हम बात करें, यानी कि ये लेबर पेन की हम बात करें, कितना लंबा होता है, किसी किसी के लिए ये प्रोसेस इजी हो जाती है, 4 या 5 घंटे लेबर पेन हुए उसके बाद बेबी आ जाता है, वहीं पर किसी किसी के लिए 2-3 दिन भी लग जाते हैं कि पेन आ रहा है लेकिन बेबी बाहर नहीं आ रहा है, या सर्विक्स ओपन नहीं हो पा रही है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन याद रखिए एज एन एवरेज ये लेबर पेन 8 घंटे का होता है, यानी कि हर एक वुमेन को अगर हम सबका कंपेयर करके एक एवरेज निकालें तो 8 घंटे के लेबर पेन से गुजरना पड़ता है। बहुत लोग पूछते हैं क्या ये लेबर पेन जो होता है क्या ये पेनफुल होता है? बिल्कुल पेनफुल होता है। अब इतना दर्द होगा, एक बेबी को आप बाहर निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पेन होगा। देखिए मैं डरा नहीं रही हूँ, ये मत सोचिएगा कि ये क्यों मैं आपको बता रही हूँ कि दर्द होता है, ये एक्चुअल में मैं आपको प्रिपेयर कर रही हूँ कि दर्द होगा, बस ये है कि आप कितना स्ट्रांग रहोगे, क्योंकि जितना आप स्ट्रांग रहोगे
उतना आपके कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस, डिलीवरी की प्रोसेस जो है आपके लिए इजी होगी। थर्ड चीज है जो बहुत लोगों के लिए एज अ सरप्राइज आती है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि नॉर्मल डिलीवरी मींस आपने बेबी को पुश किया, बेबी बाहर आ गया, इजी प्रोसेस है, इसमें कोई स्टिचेस नहीं आते, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर सी सेक्शन होगा तो क्या होता कि बिकनी लाइन पर एक सी शेप का कट लगता है, बेबी वहां से निकाल लिया जाता है और फिर उसके बाद स्टिचेस आते हैं। ये सब बहुत कॉमन है, हर कोई जानता है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में भी स्टिचेस आते हैं। बहुत सारे लोग अनअवेयर होते हैं इस बारे में, उनको लगता है कि नहीं, जैसे मैं भी इंक्लूडिंग। तो क्या होता है कि ये एज अ सरप्राइज आता है कि अब स्टिचेस क्यों आ रहे हैं। आपको बता दूं, हर 10 में से 9 वुमेन जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है उनको नीचे स्टिचेस आते हैं। अब मैंने अपनी नर्स से पूछा था कि मुझे स्टिचेस क्यों लगा रहे हो, तो एक्चुअल में होता क्या है, बेबी जो है हमारी बॉडी इस तरीके से बनी है कि नॉर्मल तरीके से बाहर आ जाता है, लेकिन कई रीजंस ऐसे होते हैं जब स्टिचेस देने पड़ते हैं। बेबी का हेड बड़ा होता है, क्योंकि फिर बेबी को क्या है, एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए बाहर निकलने के लिए। अगर बेबी का वेट ज़्यादा है, या आपकी कोई आपको कोई प्रॉब्लम है जैसे डायबिटीज़ की, बीपी की, तो क्या करते हैं डॉक्टर थोड़ा सा कट लगा देते हैं ताकि बेबी इजीली निकल आए और ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। कई बार क्या होता है, डॉक्टर को लगता है कि अब आप जो मदर है वो थक रही है, वो बच्चे को नहीं डिलीवर कर पाएगी ज़्यादा, तो वो थोड़ा सा कट लगा के एक्स्ट्रा स्पेस बना देते हैं ताकि बेबी इजीली बाहर निकल आए। और वैसे भी ये जनरली है, किसी चीज़ से मान लीजिए निकलता है कोई चीज़ बाहर तो क्या होगा, रप्चर हो जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा स्टिच लगा, कट लगा के डॉक्टर स्टिच दे देते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि कितनी एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, उतने ही स्टिचेस आएंगे। हो सकता है एक दो में भी काम चल जाए, या हो सकता है 3-4 आए, 5 आए, इस तरीके से रहता है। तो नॉर्मल डिलीवरी में भी स्टिचेस आते हैं। आपको बता दूं, नॉर्मल डिलीवरी में आए हुए स्टिचेस जल्दी हील हो जाते हैं। और हाँ, थोड़ा क्या होता है इसमें मैं बता दूं, कहीं आप लोग सोचो ये अपने आप क्या होता है, ड्राई होके टूट टूट के गिरने लगते हैं। इनमें आपको कुछ नहीं करना होता है, थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेनी होती है जो आपकी गायनी आपको बता देती है, और ये अपने आप ड्राई होके टूट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको नोटिस करना पड़ेगा कि हाँ ये सूख रहा है या नहीं। कुछ केसेस हो सकते हैं जहाँ कॉम्प्लिकेशन हो जाए, पस पड़ जाए, या हाइजीन अच्छे से मेंटेन ना हो, तो हो सकता है कि आपके टांके खुल जाए या फिर टूट जाए जल्दी। लेकिन अगर हम नॉर्मल सिनारियों में बात करें तो ये अपने आप ड्राई होके सूख जाते हैं, तो टेंशन लेने जैसा इसमें कुछ नहीं होता। फोर्थ बात जो आपको कोई नहीं बताता है, हाँ बाद में हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं लेकिन पहले कोई डिस्कस नहीं करता है। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर पहले तो बोल रहा था नॉर्मल डिलीवरी होगी, फिर बाद में कर दिया सी सेक्शन। आपको बता दो, जनरल सिनारियों में क्या है, अगर आप हेल्दी हो, आपका बेबी हेल्दी है, आपकी प्रेगनेंसी फुल टर्म हो गई है, यानी कि 38 वीक्स हो गए हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, एंड मोमेंट पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जैसे बच्चे ने मेकोनियम पास कर दिया है, आपका बीपी शूट कर रहा है, तो कई सारी चीज़ें एंड टाइम में हो जाती है। जैसे मेकोनियम पास करने का मतलब ये है कि बच्चा जो है आपके पेट में ही पॉटी कर देता है। जनरली बच्चा ये बाहर आके करता है, ब्लैक कलर की एक पॉटी होती है जो बच्चे बाहर आने के, मतलब इस वर्ल्ड में आने के बाद करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बेबी जो है जब वो माँ के अंदर होता है तभी कर देता है। अब इससे क्या होगा, क्योंकि वो आपके पेट के अंदर, आपको मालूम है इतना सा स्पेस है, फ्लूइड से वो भरा हुआ है, अगर उसने पॉटी कर दिया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उसको अंदर वापस से ले ले अपनी बॉडी के अंदर, तो ये फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर क्या होते हैं, अगर ये वाला सिनारियो होता है तो डॉक्टर का जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं वो कि आपका सी सेक्शन करके बाहर बेबी को निकाल ले, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में बेबी को बाहर आने में टाइम लगेगा। और अगर बच्चे ने मेकोनियम पास कर दिया है और उसको उसने अंदर ले लिया अपनी बॉडी के अंदर, तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, बेबी की लाइफ को जो है खतरा होता है, इसीलिए डॉक्टर फटाफट से सी सेक्शन करते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है कि नॉर्मल डिलीवरी बोलते बोलते भी डॉक्टर लास्ट में सी सेक्शन कर देते हैं। तो अगर आपको रीजन पता है डॉक्टर क्यों कर रहा है, तो प्लीज़ उनकी एबिलिटी को आप डाउट ना करें। अपना एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, मुझे लग रहा था मेरा सी सेक्शन होगा, क्योंकि जब मेरा बेबी 8th मंथ का था तो उसके जो नेक पे है लूप 2 बार इस तरीके से राउंड हो रहा था, तो मेरे को अल्ट्रासाउंड जब हुई थी तो जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने कहा था कि टेंशन हो सकता है, क्योंकि लास्ट का जब मंथ होता है तो बेबी कम घूमता है,
ऐसा नहीं है घूमेगा नहीं, लेकिन क्योंकि स्पेस कम रहती है, बेबी का वेट बढ़ रहा होता है तो कम घूमता है, तो उसकी वजह से आप समझ रहे हैं, लूप अगर उसकी नेक पे 2 बार हो रही है तो उसको नॉर्मल वे से आने में दिक्कत हो सकती है। तो मुझे लग रहा था सी सेक्शन होगा, लेकिन मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, तो हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे या जो लास्ट मंथ था उसमें मेरा जो बेबी है घूम गया हो, उसकी कॉर्ड निकल गई हो। तो प्रेगनेंसी है, बहुत सारी चीजें अनप्रेडिक्टेबल है, पहले से आप कुछ नहीं कह सकते हैं, तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक बिल्कुल उम्मीद मत बना लीजिएगा कि हाँ नॉर्मल ही होगी, फिर क्या होता है लोग अपसेट होते हैं। तो आप होप करिए कि नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि हम सब चाहते हैं, लेकिन एज सच कोई फिक्स जो बोलते हैं माइंडसेट के साथ ना जाएं। फिर बात है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सी सेक्शन बहुत इजी होता है, एक डेट फिक्स होती है, आप जाते हैं, एक आपको सी शेप का कट लगा दिया जाता है, बेबी को बाहर निकाला जाता है, उसके बाद आपको स्टिचेस दे दिए जाते हैं, और फिर आप 3 दिन के बाद जो है घर आ जाते हो। बहुत लोगों को इजी लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि लेबर पेन से नहीं गुजरना पड़ता है, सिंपल सा प्रोसेस है, मैनेजेबल है, आप चले गए हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने अभी पहले वाले पॉइंट में बताया, कई बार नॉर्मल डिलीवरी का हम सोचते हैं तो मदर क्या पूरी प्रोसेस से गुजर रही होती है, लेबर पेन से जा रही होती है, सब कुछ चीजें होती है, बाद में पता चलता है कि सी सेक्शन हो गया। तो सी सेक्शन हर बार प्लान नहीं होता, इतना इजी नहीं होता। हाँ वो अलग बात है, क्योंकि ऑलरेडी या तो आपने ऑप्ट किया हो शुरू से ही कि मुझे सी सेक्शन कराना है, या फिर कुछ रीजंस ऐसे हैं जिससे पहले से ही डिसाइड है कि आपका सी सेक्शन होगा, तब ये इजी हो सकता है। इजी नहीं बोलूंगी, क्योंकि मतलब कट तो लग रहा है, आपको एपिड्यूरल लगवाना पड़ता है, स्टिचेस आते हैं, बाद में दिक्कत होती है, लेकिन हाँ थोड़ा लेबर पेन वाली प्रोसेस ईज आउट हो जाती है, क्योंकि उससे आपको इतना नहीं गुजरना पड़ता है। लेकिन हर बार ये इजी नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है सारी प्रोसेस से आप गुजरें और बाद में जाके आपका सी सेक्शन हो। तो इस माइंड सेट को आप अपने दिमाग से हटा दीजिए कि सी सेक्शन ईजी होता है, सी सेक्शन इज इक्वली पेनफुल। अब आते हैं हम सिक्स्थ बात की तरफ, डिलीवरी इज ऑल अबाउट ब्लड, बहुत ब्लड आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा स्ट्रांग रहिएगा। सिंपल सी बात है, बेबी बाहर आ रहा है, चाहे वो आपके नीचे वाले एरिया से हो, चाहे वो आपके सी सेक्शन के बाद आया हो, आपको जो है ब्लीडिंग होती है। हाँ सी सेक्शन में कंपेरेटिवली कम होती है, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो ब्लीडिंग आपको ज़्यादा होगी। और क्या होता है, सिर्फ उसी दिन नहीं, 2-3 दिन तो बहुत हैवी ब्लीडिंग रहती है, आपको मैटरनिटी पैड्स पहनने पड़ते हैं। अगर नहीं पता तो आपको बता दूं, मैटरनिटी पैड्स जो आपके हम पीरियड्स में यूज़ करते हैं उनसे थोड़े हैवी होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, क्योंकि उस टाइम आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, तो वो आपको लगाने पड़ते हैं। 2-3 दिन तक तो जो है ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी होती है, उसके बाद वो स्लो डाउन होती है, लेकिन याद रखिए 1 से 1.5 महीने ये चलती है, इसका फ्लो कम हो जाएगा लेकिन ये रेगुलरिटी में रहती है। तो आपको मैं ये कहूंगी कि बहुत सारे ब्लड के लिए प्रिपेयर्ड रहे, साथ ही साथ एक लॉन्ग पीरियड के लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहे। सी सेक्शन जिनका होता है उनको ये पीरियड्स थोड़े से कम रहते हैं, पीरियड्स नहीं कहेंगे एग्जैक्टली, लेकिन पीरियड जैसा ये ब्लड फ्लो होता है तो कम रहता है, लेकिन अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है थोड़ा सा ये लंबा चलता है। सेवेंथ बात ये है कि आपने मूवीज में देखा होगा डिलीवरी, लेबर पेन बहुत फिल्मी होता है, एकदम से वाटर ब्रेक होता है, आपने देखा होगा कि वुमेन बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमारी एक राय बन गई होती है। एक्चुअल में ये इतनी फिल्मी नहीं होती है। जैसे आपको एक बता देती हूँ फनी इंसिडेंट, मेरी एक फ्रेंड है, वो जब जा रही थी, उनका सी सेक्शन प्लान था, तो वो जब जा रही थी तो बोली, हम ऐसी बात कर रहे थे, बोली मैं मेकअप करके जाऊंगी क्योंकि जब मैं बेबी को होल्ड करके पिक्स लूंगी तो वो अच्छी आनी चाहिए। लेकिन फनी बात यह है कि जब उनकी वो पिक्स आई तो काजल इधर से फैला हुआ है, बाल ऐसे खड़े हुए हैं। ये रियलिटी है, मूवीज में हम देखते हैं ना कि आपको बेबी हाथ में देता है एंड आप इमोशनल हो जाते हो, रोते हो, ये फीलिंग सब रियल है, होता है। लेकिन जो ये बोलते हैं ना कि एकदम अच्छे से आप दिख रहे हो, काजल भी लगा हुआ है, लिपस्टिक भी लगी हुई है, एंड आप इस तरीके से बेबी को लेके पोज कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको अपनी फ्रेंड का एग्जाम्पल बता दिया, बाद में हम बहुत हंसे थे क्योंकि वो मुझे बोलती है मैंने टचअप भी किया था, स्टिल मेरी पिक्स ऐसी आई। तो ये जो लेबर पेन, डिलीवरी, ये सारी चीज़ें इतनी फिल्मी नहीं होती जितना हम सोचते हैं। जैसे आप देखते हैं ना एकदम से वाटर ब्रेक होता है और हॉस्पिटल के रश करते हैं, ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है आइडिया ही नहीं लगता है, कई बार क्या होता है वाटर ब्रेक नहीं होता, कई बार क्या होता है सर्विक्स ओपन होती है, बेबी बाहर आ जाता है लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं हो रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसा आप फिल्मों में देखते हो वैसा नहीं होता है,
अब जरूरी नहीं है कि जैसे वो इमोशनल हो रहे हैं वैसे आप इमोशनल हो, क्योंकि कई बार इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाते, ऑलरेडी आपकी बॉडी में इतनी सारी चीजें हो रही होती है, ब्रेन एकदम बंद हो गया होता, समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मूवी में तो ऐसा दिखा रहे थे, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो रियल लाइफ और फिल्मी लाइफ में बहुत अंतर है। और मैं आपको बता दूं, डिलीवरी करने के बाद हम जॉम्बी जैसे ही लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात आप समझ रहे हो, बेबी को आप पुश करो, इतना पेन हो रहा है, 8-9 घंटे आप लेबर पेन में हो, कुछ अता पता नहीं रहता है, बहुत बुरी हालत होती है। मैंने तो पिक्स नहीं ली थी, जो लोग ले पाते हैं, मैं सच बता रही हूँ, मैं जेलस फील करती हूँ, मैंने नहीं ली क्योंकि सोचा जरूर था मैंने। मैं आपको बता दूँ, कैमरा भी रखा था, लेकिन फिर कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेरे पास पिक्स नहीं है उस दिन की, मतलब जैसे होता है ना बेबी को होल्ड करके या डिलीवरी में बाद आने की, नहीं, बैंड बज गई थी तो मुझे टाइम नहीं मिला, या फिर हो सकता है मेरा ब्रेन इतना काम नहीं कर रहा था। मैंने किसी को बोला भी नहीं और किसी ने मेरा लिया भी नहीं। अब जब मैं लोगों को देखती हूँ ना पिक्स पोस्ट करते, तो मेरे को लगता है यार क्यों नहीं लिया। तो आप भी प्रिपेयर रहिए कि चीजें इतनी फिल्मी नहीं होती है। नेक्स्ट बात यह आती है कि जब आप बेबी को डिलीवर कर देते हैं, लेबर पेन की प्रोसेस से गुजर जाते हैं, उसके बाद आपको पॉटी करने में यानी कि पूप करने में और पी करने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी में इतनी सारी चीजें हो रही होती है, इंटेस्टाइन आपकी थोड़े टाइम के लिए काम करना बंद कर देती है या स्लो डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप पॉटी नहीं कर पा रहे हो, कॉन्स्टिपेशन जैसी फीलिंग आती है। आपको बता दूं, आपका स्टाफ वैसे ही इंश्योर कर लेता है कि जब आप यहाँ से डिस्चार्ज हो हॉस्पिटल से, उससे पहले आप पूप और जो है पी अच्छे से कर रहे हो। मैं आपको बताती हूँ एक तरीका वो क्या करते हैं, जब आप बाथरूम जाते हो, शुरुआत में बात करें, जब फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम जाओगे तो टैप ऑन कर देते हैं। आपको पता है कि पानी की आवाज़ सुन के होता है कि आपको पी आ जाती है, वो इंश्योर करते हैं। और आपको भी मैं कहूंगी कि अगर आपको नहीं आ रही है तो झूठ मत बोलिए, क्योंकि कई बार हम क्या सोचते हैं घर जाके देख लेंगे हो जाएगा या नहीं हो रहा होगा। नहीं, अगर आपको नहीं हो रहा है, जैसे हॉस्पिटल में है, आपको पॉटी नहीं आ रही है, पी नहीं आ रही है, तो अपने स्टाफ को ये चीज़ मेंशन करिएगा, शाय मत फील करना, क्योंकि ये एक चीज़ है जो उनको देखनी पड़ती है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको सच बोलना है, अगर आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं आ रहा तो भी आपको उनको बताना है, क्योंकि उनको पता है कि इस चीज़ को कैसे इनिशिएट करना है यानी कि इस चीज़ को कैसे ठीक करना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, पी और पॉटी करने में प्रॉब्लम हो सकती है, देन आपको उसको मेंशन भी करना है, छुपाना नहीं है कि आप घर चले गए फिर बाद में बता रहे हो, तो वहाँ पे ये चीज़ आप अपने डॉक्टर को या फिर जो स्टाफ है उसको बताएं, प्लस खुद भी इंश्योर करें कि हॉस्पिटल से जाने से पहले आप पी और पूप कर रहे हो। नाइन्थ पॉइंट ये है कि जैसे मैंने पहले बताया था, इतना फिल्मी नहीं होता है जैसे आप फिल्मों में देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हो लेकिन नहीं होती, जैसे कि वाटर ब्रेक होना, आपने देखा ना इंस्टेंटली वाटर ब्रेक होता है, देन यू रश टू हॉस्पिटल, ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, लेबर पेन स्टार्ट हो रहे होते हैं, सर्विक्स ओपन हो जाती है, लेकिन वाटर ब्रेक नहीं होता है। अब क्या होता है, इसे आपका स्टाफ मैन्युअली ब्रेक करता है, थोड़ा सा ये बराबर होता है जो आपका इंटरनल चेकअप होता है वैसा ही, आपको वो जो है वाटर ब्रेक करते हैं मैन्युअली, और एकदम वाटर का गश जैसा आता है, आपको लगता है कि कुछ गरम गरम चीज़ आ रही है आपके वी एरिया से, तो ये वाटर ब्रेक आपके स्टाफ करती है। इसके बाद क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका जो लेबर पेन है वो इंड्यूस क्यों किया गया था, यानी कि दर्द देने के लिए आपको एक मेडिसिन दी जाती है जो आपके डिप में डाल दी जाती है या आपको इंजेक्शन लगाया जाता है, वो आप मेडिकल स्टाफ के लिए रहने दीजिए, लेकिन आपको इंड्यूस करते हैं लेबर पेन, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मेरे केस में हुआ, बेबी बाहर आने के लिए स्टार्ट हो जाता है लेकिन लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहे होते हैं। आपको बता दूँ, नॉर्मल डिलीवरी के लिए या किसी भी जनरली भी डिलीवरी के लिए सारी चीज़ें होना ज़रूरी है, वाटर ब्रेक नहीं होगा तो करना पड़ेगा, सर्विक्स ओपन नहीं होगी तो ओपन होने का वेट करना पड़ेगा। सिमिलरली क्योंकि सर्विक्स ओपन हो रही थी तो ऑब्वियस सी बात है फिर लेबर इंड्यूस करना पड़ेगा, तो इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया दवाई जो है दी जाती है ताकि आपकी लेबर पेन स्टार्ट हो जाए, ये भी नेचुरल प्रोसेस है, ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप देखते हो सुनते हो एग्जैक्टली वैसे नहीं होती हैं, बट इट डजेंट मीन कि देन आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। मुझे लेबर इंड्यूस किया गया था लेकिन मेरी अच्छे से डिलीवरी हुई, यानी कि बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं था ऐसा मैं बोलूँगी, और नॉर्मल डिलीवरी हुई थी।
टेंथ पॉइंट ये है कि हो सकता है आपकी डिलीवरी के दौरान मेल स्टाफ प्रेजेंट हो। ज़्यादातर वेमेन प्रेफर नहीं करती हैं कि मेल स्टाफ और डिलीवरी के टाइम, क्योंकि आप सब जानते हो ऑब्वियस से रीज़न है। लेकिन आपको बता दूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नर्स का प्रोफेशन जो है खाली फीमेल्स के लिए नहीं है। हालांकि हम यही मानते हैं कि फीमेल ही होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मेल स्टाफ भी होते हैं। मैंने हॉस्पिटल्स में काम किया हुआ है, वहाँ पे मेल स्टाफ होते हैं। कई बार थोड़ा सा जो फीमेल पेशेंट है उनके लिए एम्बेरसिंग हो जाता था कि मेल जो है नर्स है वहाँ पर, लेकिन इसमें एम्बेरस होने जैसा कुछ नहीं है। एक तो आपको चीज़ बता दूँ, क्योंकि अब वहाँ नर्स जो है मेल और फीमेल दोनों हैं, ड्यूटीज जो है शिफ्ट में लगती हैं, तो ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए किसी मेल नर्स की जो है शिफ्ट रात में लगी हो और आप भी डिलीवरी के लिए रात में जाएं, तो क्योंकि फिर लोग क्या सोचते हैं कि इन्होंने तो बताया ही नहीं था कि मेल मेंबर होगा, तो प्रिपेयर्ड रहिए इस चीज़ के लिए। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपके लिए वहाँ पर हैं, वो एक मेडिकल चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, आपको आपके बेबी को हैंडल कर रहे हैं, तो उनको एज अ जैसा आप अपनी गायनी को ले रहे हैं या फीमेल नर्स को ले रहे हैं वैसे ही उन्हें लीजिए। वो उनका काम है, डेली वो ये काम करते हैं। तो इस टाइम पर आप ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में न लाएं कि मेल स्टाफ है फीमेल स्टाफ है, क्योंकि कई बार क्या होता है एप्यूड्यूरल लगाने के लिए जो डॉक्टर आते हैं वो मेल हो सकते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड होंगे। तो इस चीज़ को ना करें, कि मैंने देखा है कई बार लोग इस चीज़ के पीछे लड़ाई करते हैं कि मेल स्टाफ वहाँ पर क्यों है, पहले क्यों नहीं बताया। तो वो अपना काम कर रहे हैं, इस चीज़ को मत देखिए उनका जेंडर क्या है, उनको अपना काम करने दीजिए। और इस चीज़ को आप उस तरीके से, अगर आप थोड़ा सा आपको एम्बेरस लग रहा है तो आप अपने दिमाग को बंद रखिए, उस तरफ ध्यान मत दीजिए, ध्यान दीजिए अपने पर, अपने बेबी के ऊपर। अदरवाइज मैं यही कहूँगी, उनकी प्रेजेंस एज सच कोई भी पैनिक करने वाली चीज़ नहीं है। मेरे रेडियोलॉजिस्ट जो थे, जो उस टाइम पर अल्ट्रासाउंड करते, तो वो मेल थे और बहुत अच्छे डॉक्टर, मतलब इतने अच्छे से चीज़ें समझाते थे, कभी भी अनकंफर्टेबल में फील नहीं होती थी, क्योंकि उनके लिए हम पेशेंट हैं, जिनको जिनकी लाइफ को जिनको उनको टेक केयर करना है, तो उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आता है, उनका रोज़ का काम है। तो आप इस चीज़ को छोड़ दीजिएगा, तो इस चीज़ के लिए स्ट्रेस आउट मत करिए, या फिर बाद में जो है ना हंगामा करते हैं कुछ लोग कि नहीं हमें नहीं कराना, जब फीमेल नर्स हो गए या फीमेल डॉक्टर होगा तभी हम कराएंगे, ये सारी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। तो ये हो गई कुछ बेसिक सी बातें, 10 ऐसी बातें जिनके बारे में हम जनरली बात नहीं करते लेकिन हमें पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा कोई भी कमेंट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगी।